गुड मॉर्निंग यू गाइस, आज हम जा रहे हैं लॉन्गविंग से वाका की तरफ। वाका इज सेट टू बी द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट विलेज, और वाका के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं वाका गई थी तो बहुत ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई थी वहाँ पे। तो आई एम एक्साइटेड टू गो टू दैट वर्जिन लैंड ऑल ओवर अगैन, सो आई विल सी यू गाइस ऑन द रोड्स। लेट्स गो टू वाका। लॉन्गडिंग से निकले हैं वाका की तरफ और सबका समोसा खाने का मन हुआ। तो अभी वी हैव स्टॉप्ड एट अ प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड तिसा टाउन, और यहाँ पे एक होटल है जो कि काफ़ी फेमस है, आशा होटल। और फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको पराठे, रोटी, दाल और समोसे, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी विच इज़ नॉट सो लाइक ईजली अवेलेबल थिंग्स इन दिस पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम बिहारी लोग जहाँ मिलते हैं ना भाईचारा बांटने लगते हैं। एनीवे, आई एम हैविंग दिस पूरी भाजी, आगे शायद ये खाना हमको ना मिले, तो लेट मी एंजॉय इट। मैडम जी, हम लोग कहाँ जा रहे हो? लॉन्गडिंग। लॉन्गडिंग जा रहे हो? इधर इधर घूम के हाय बोल दो, फिर फोटो लेनी है तो। सो दिस इज तिसा टाउन, छोटी सी जगह है बट सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैं हूँ फिलहाल एक विलेज में, इसका नाम है नीनू विलेज, और ये जगह अभी लाइमलाइट में आई है। वी आर इन नीनू विलेज एंड राइट हियर इज द चीफ्स हाउस। सो लेट्स एंटर चीफ्स हाउस। एंड यहाँ के सारे घर जैसे होते हैं वैसा ही कुछ घर है ये भी। द थिंग इज़ दैट अरुणाचल के किसी भी ट्राइब के घर में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है कि इनके जो घर का फ्रंट वाला पार्ट होता है दैट्स बिग एंड इट्स फॉर मेन, और बैक वाला जो साइड होता है दैट्स फॉर वेमेन। सो ये मेन एंट्रेंस है, वेमेन आर मोस्टली नॉट अलाउड टू एंटर, एंड दिस इज़ द चीफ्स हाउस। न्यू विलेज रिसेंटली इट हैज़ कम इन टू द लाइम लाइट। इसकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वांचो ट्राइब्स में इनके जब चीफ एक्सपायर होते हैं या फिर कोई भी सीनियर मेंबर फैमिली के एक्सपायर होते हैं, तो व्हाट दे डू इज़ दे पुट देयर बॉडी, द डेड बॉडी, एलिवेटेड सर्फेस पर रख देते हैं वो। तो 1875 में इस गाँव के चीफ की डेथ हुई थी, और उस टाइम पर उन्होंने अपनी चीफ की बॉडी एक एलिवेटेड सर्फेस पर रख रखी थी। एंड दैट टाइम द ब्रिटिशर्स they were here in this area and they thought that there's something insane happening and they started poking the body, the dead body. Aur of course wo unke sentiments ke sath unhone khilwad kar diya, aur is tarah se yahan ke jo Wancho tribes ke log hain unhone almost 70 Britishers ka head hunt kiya tha, and that happened in 1875. Oh, long ho jato hum apu mai sa chalu. Meet the chief, the king, and this is the crowd that belongs to the queen. मैं बस ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। अब ट्राई नहीं, आप फंस ही गए यहाँ पे, अभी तो फिफ्थ नंबर अब यहाँ का बन गया रानी। ये है वांचो ट्राइब के ट्रेडिशनल अटायर में। आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या पहन रखे हो? ये मैं पकड़ लूँ अगर आपको ऐतराज ना हो? वांचो राव कहा जाता है। ओके। और ये बंदूक है। ओके। दो गोली वाला। दो गोली वाला। गोली नहीं है अभी। अभी गोली नहीं है। मुझे ये जानना, ये हेड जो लगाते हैं ये क्या होती है? ये हेड जो हमारा बहुत पहले एक दूसरे का शीट काटा जाता था, हेड हंटिंग, हेड कटिंग, उसी का सिंबल है। ओके। और गान खाओ। ओके। ओ माय तोई क्वानिंग ले ले तोआ। So that's 80 years old Dadima of our chief in Nino village. Dadaji, namaste.
नमस्ते बोलो। नमस्ते, आपका लैंग्वेज में नमस्ते कैसे बोलते हैं? नम पोइसु। नम पोइसु, नम पोइसु, दैट्स नमस्ते इन वांचो ट्राइब्स लैंग्वेज। Let's tell all of them that they look very beautiful. Nam Malang Maitika. Maitika. Nam Malang Maitika. For myself, Nam Malang Maitika. Wancho language mein isko kehte hain. Aap bahut khoobsurat ho. Meet the lone writer of this village, one of the few people of this generation who can write. Aur uncle is so excited. Wo Assamese mein likh sakte hain. And Assamese, because us time pe, purane time mein, Assamese was the only language they were trained in, like writing and reading. Your name? Name? Manyai. 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 Write, write, write. Bangshu. Bangsha. Can you write Manyai? Manyai, Manyai. अभी हम खड़े हैं एक घर के सामने और ये घर है मिस्टर निफा वांगसा का, जिन्होंने एक बुक लिखी है अबाउट दिस 1875 नीनू मैसेकर और वांगचो एंग्लो वॉर ऑफ 1875। लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ वर्ड विद हिम। द नीनू मैसेकर इज एन इंसिडेंट ऑफ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द वांगचोस वेयर 80 ब्रिटिशर्स वेयर किल्ड, वांगचो वॉरियर्स वेयर इम्प्रिजन। ये फोटो है चार वांचोस का जो इम्प्रिजन हुआ है नीनू मैसेकर इंसिडेंट में। पहला वांचोस हुआ होगा जो जेल घुसा होगा, पहला वांचोस होगा जो ट्रायल गया होगा। दिस इज द फोटो आई कलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, इज रिलेटेड टू द ट्राइब ऑफ द वांचो। काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल स्टोरीज सुनी हमने, सच अ बिग थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस इज वॉट आई टेल यू गाइज कि मेन स्ट्रीम प्लेसेस से हट के कुछ अलग जगह ट्राई करो ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज ऐसी ऐसी स्टोरीज आपको सुनने के लिए मिलेंगी जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। लाइक मैं पहुँच गई हूँ वाका। वाका में आज भी चीफ है और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दे देती हूँ जो मेरी पुरानी वीडियो है, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फिलहाल तो लगी है काफी भूख। मिस्टर वांग, अभी मेरा ब्लॉग। मिस्टर वांग, व्हाट आर वी ईटिंग? वांग इज आवर गाइड। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज खुन वांग तांगजांग एंड आई एम फ्रॉम खोंसा। आई बिलोंग टू द नॉक्टे कम्युनिटी। सो राइट नाउ वी आर इन वाका। ओके, एंड वी आर हैविंग चाउमीन इन वाका। Meet one of the queens here, Nanglo, with the kids, and she's feeling so happy because उनके हाथ में मेरा कैमरा है, फोन। फोटो आप कौन से फोटो लेके आए हो? फोटो 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 वीडियो। So Waka is one of those paramount villages जो कि बहुत सारे villages को control करते हैं, तो इंडिया के अलावा भी, मतलब यहाँ के आसपास भी, बर्मा म्यांमार में 16 विलेजेस हैं जिसको वाका कंट्रोल करता है, तो यहाँ के चीफ के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैंडल ऑल दिस 16 विलेजेस। हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं, हमारे कल्चर में एक से ज़्यादा शादियाँ इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, लेकिन यहाँ वाका के गांव में जो चीफ हैं उनके 6 रानियाँ हैं, और मतलब मजाक के तौर पर अगर इसको ना फोटो फोटो वीडियो, शी इज़ वन ऑफ द क्वींस, आवर ऑफ 6 क्वींस, दीज आर द 2 क्वींस। तो पहले के ज़माने में, इनफैक्ट इनकी जो हिस्ट्री चलती आ रही है, ये लोग ज़्यादा शादियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट जो राजदरबार संभालना होता है, इनको लोगों की सेवा करनी होती है, उसके लिए बहुत सारे औरतों की ज़रूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फूड एंड एवरीथिंग। दैट्स वाई दे हैव दिस कल्चर ऑफ मैरिंग मल्टीपल वुमेन। नहीं दूर है बॉर्डर यहाँ से, यहाँ से अच्छा पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वो जो पहाड़ वो सब बॉर्डर है। आप लोग म्यांमार जाते हैं? जाते हैं, जाते हैं, आराम से जा सकते हैं। पहले मैंने बाउंड्री से, ये बाउंड्री लगाने से पहले हम लोग का जगह है इधर का भी ना। अच्छा, तो आपके गांव में जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो आते होंगे ना फिर बर्मा से लोग? बर्मा से। ओके,
अभी बज रहे हैं शाम के 5। वाका विलेज में मैं आज अपनी रात गुजारूंगी, एक होम स्टे में। एंड देयर इज सच अ सच अ सच अ गॉर्जियस सनसेट हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज। It's been 6 days since we are talking about the Nagas and the headhunters. आज मैं पहुंच चुकी हूं एक गांव में जिसका नाम है खेती। You can call it खेती, खेती। This is the village where human skulls still exist head hunting के time से। ये वो जगह है जहाँ पे आपको ह्यूमन स्कल्स देखने के लिए मिलेगा। वैसे ये एंटायर बेल्ट दैट वी हैव कवर्ड सो फार इन द पास्ट 5 to 6 days, इन सारे बेल्ट में हेड हंटिंग की प्रैक्टिस होती थी टिल अबाउट 1950s। Head hunting used to be a very important aspect or part of head hunters ka jo culture hota tha purane time pe. I know this can make a lot of you uncomfortable, aur main bhi is cheez ko honestly promote nahi karna cha rahi hu kyunki ye ek inke culture ka ek part hua karta tha purane time mein. To let's look into it only from that perspective. You can see ये जो स्कल्स हैं यहाँ पे अब तो बहुत लिमिटेड हैं, बट पुराने टाइम में इसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी और बहुत ज़्यादा नंबर में होते थे। और पुराने टाइम में जितने भी हेड्स या स्कल्स ऐसे रखे हुए होते थे, फिर धीरे धीरे लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लगे, तो यू नो बहुत लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज दे जस्ट वॉन्टेड टू रिमूव गेट रिड ऑफ ऑल द ट्रेसेस ऑफ देयर पास्ट। और उसके अलावा कभी आग लगी है ऐसा कुछ हुआ तो उसमें भी बहुत सारे स्कल्स डिस्ट्रॉय हो गए। बट खेती विलेज अभी अरुणाचल प्रदेश में तिराप डिस्ट्रिक्ट में ही एक ऐसी जगह है, गिनी चुनी जगह है जहाँ पर आपको ये स्कल्स देखने के लिए अभी भी मिल सकती है। तो हेड हंटिंग का जो कल्चर होता था वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे जो हेड हंटर्स होते थे ना, और आपस में अगर उनकी लड़ाइयाँ हो जाती थी तो उस लड़ाई में उनका होता था कि अगर सामने वाले को उन्होंने हरा दिया तो हेड हंट कर देंगे और उसकी जो हेड है वो लेके अपने घर आते थे, अपनी बस्ती में आते थे, और जो कि सेलिब्रेशन का एक काफ़ी बड़ा मौका होता था उनके लिए। मुझे ऐसा कहा गया है कि जब वो हेड हंट करके लाते थे दुश्मनों का, तो वो यहाँ की जो रानियाँ हैं, मतलब इन सारे एरियाज़ में रानियाँ बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करती थी, और जो हेड हंट करते थे उनको टैटू बनाए जाते थे उनके फेस पे। लेकिन ये ट्राइब्स के डिफरेंट क्लैन में डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ आपको आज के डेट में सुनने के लिए मिलेंगी। मैं हूँ फ़िलहाल नॉक्टे ट्राइब के मोरोंग के सामने। एंड आज मैं हूँ लाजो गांव में, और ये काफ़ी 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 खूबसूरत गांव है अरुणाचल के हर एक गांव की तरह। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है इस गांव की वो है यहाँ के ट्राइब्स, जिनको कि हम ओलो ट्राइब बोलते हैं। यहाँ पे आपको मेन एज वेल एज वेमेन दोनों के फेस पे आपको टैटूज मिले हैं, काफ़ी इलैबोरेटेड टैटू। मैं आपका ये टच कर लूं। दिस वन इज ओलो ट्राइब्स विमेन ज्वेलरी। एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट? सो फार वी हैव सीन द टैटूज ओनली ऑन मेन के फेस पे, विमेन के फेस पे हमने आज तक नहीं देखी थी। एंड दैट इज द यूनिक थिंग अबाउट ओलो ट्राइब, बिकॉज हियर इन ओलो ट्राइब विमेन विल ऑल्सो हैव फेशियल टैटूज। सो द टैटू यू कैन सी ऑन द फेस, बेसिकली दे हैव टू लॉजिक to have these kind of tattoos. एक तो obviously उनके शादी के लिए ऐसा बोलते हैं कि शादी जब आप करते हो तो उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा ऐसा मानते हैं कि इनकी जो आफ्टर लाइफ होती है, वो बिलीव करते हैं कि आफ्टर लाइफ में when they die, it's important for their ancestors to recognize them up in the universe. That's why they have this kind of tattoos on their face. हाय हाय, नाम क्या है?
आपका ये कितना प्यारा है. सो द न्यू जनरेशन विल नॉट हैव द टैटू ऑन देयर फेस. ऑफ कोर्स दीज आर जस्ट द किड्स, बट वैसे भी कुछ 20 या 30 सालों पहले तक ही ये जो टैटू का कल्चर था वो एग्जिस्ट करता था. उसके बाद से ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं. यहाँ पे गांव में जितने भी बूढ़ी औरतें हैं, ओल्ड वेमेन एंड ओल्ड मैन में भी, उनके चेहरे पे ही आपको वो टैटूज दिख सकते हैं जो कि ओलो ट्राइब की एक निशानी है. आप मेरे को बताएगा ये टैटू का मतलब क्या होता है? आपका जो टैटू है वी मतलब मनवी नेम 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 योर नेम. ओके, वी हैव लर्न टू से नमस्ते इन ऑल द लैंग्वेजेस सो फार. अभी ओलो में ऐसे बोलते हैं तिसोरा वुरांग जुकू, तिसोरा वुरांग जुकू. क्योंकि इनके चेहरे पे टैटू शादी करवाने के लिए होता था, एज इन टैटू के बिना आपकी शादी नहीं हो सकती है, और पुराने टाइम पे शादी की कोई एज नहीं थी, तो उनके चेहरे पे टैटू 10 साल की एज में, 12 साल की एज में, 15 साल की एज में ऐसे ही हो जाते थे. और इमेजिन करो, बैक देन देयर वाज नो एनेस्थीसिया, नो पेन किलर, नथिंग. इट वाज ऑल मैनुअल टैटू, जिसको हम गोदना बोलते हैं, उनके फेस पे. एंड इट यूज टू हील on its own. So how resilient, how courageous, and how much of strength these women have. We are on our way to Laho village. Kafi rasta kharab hai. अदरक की खेती होती है यहाँ पे शायद. आई कैन सी देम विथ मोस्टली यहाँ पे लकड़ी जाते देखी है मैंने ऐसे आज तक, और चाय भी. दिस इज अदरक. जिंजर को हमारे लोकल डायलेक्ट से चिन कहा जाता है. चिन चिन, और साथ में ये जो बड़ा वाला जो चिन है, बड़ा जो जिंजर, इसको चिन्योंग कहा जाता है. चिन्योंग, हाँ. तो ये यहाँ का लोकल. ओह माय गॉड, नाउ दिस इज ह्यूज एक्चुअली. चिन्योंग द लोकल फ्रूट, बहुत ज़्यादा खट्टा है. नॉट फॉर मी, लेकिन फिर भी ना कुछ चीज़ें ना आपको पता है कि आपको बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर भी आप खाते हो. दिस इज माई टॉक्सिक ट्रेट. गुड. तो मैं पहुंच चुकी हूं लाहो गांव, और ये जो है अपर नॉक्टे में पड़ता है. दे आर टू पार्ट्स, अपर नॉक्टे एंड लोअर नॉक्टे. सो अपर नॉक्टे में जितने लोग रहते हैं वो लोग मोस्टली आर्टिस्टिक होते हैं. जितने भी क्राफ्ट्स बनते हैं, वुड कार्विंग और ऐसी ऐसी जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें होती है ना, वो आपको अपर नॉक्टे में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर मैं अभी हूँ. ऐसा कहा गया है मुझसे कि ये गाँव काफ़ी आर्टिस्टिक है और काफ़ी सुंदर है. दिस इज़ चीफ्स हाउस. So I welcome you to the Nokte community, as you are in Laho village. Look at this, quite innovative. So ये पेड़ का log है और इसमें कोई joint नहीं है, वैसे ही काट काट के सीढ़ियाँ बनाई है. Wow. ये mostly chief के घर में होता है. हमने अब तक बहुत सारे episodes में ये देख चुके हैं, तो chief के power को दर्शाता है ये. So same like Wancho tribes and other tribes which we have seen in this belt, even Nokte tribes में इनके गांव में, हर गांव में एक चीफ होता है. और ये चीफ की जो सिलेक्शन होती है वो एक्चुअली फैमिली से ही होती है, एज इन यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता चीफ की सिलेक्शन के लिए. एक फैमिली के साथ ही वो चीफ बनते जाते हैं जनरेशन्स बाय जनरेशन्स. लेकिन यहाँ पे रानियाँ क्योंकि मल्टीपल होती है, तो ये हमको देखना है और समझना है कि ये चीफ की जो सिलेक्शन होती है वो कैसे होती है. तो अभी हम लोग लाहो बस्ती में है, एक नुक्ते बस्ती है ये. तो ये गाँव में दो राजा है, एक तो हाखुन राजा और एक तो कम्हुआ राजा. तो ये कम्हुआ राजा और हाखुन राजा का बीच में शादी होता है. जैसा हाखुन राजा कम्हुआ राजा का बेटी को शादी करेगा, तभी वो बेटी का जो बेटा है वो नेक्स्ट किंग बन सकेगा. मतलब रॉयल ब्लड होना जरूरी. हाँ, वो
फॉलो करते हैं यहाँ पे. हाउ यू ग्रीट इट हियर इन नॉक्टे ट्राइब इज कॉल्ड असन्ने एंड द अटायर आई एम वेयरिंग दिस इज नॉक्टे ट्राइब्स विमेन अटायर द ट्रेडिशनल अटायर. ओके दिस इज ऑफ लाइक मोर इंटरेस्ट. ये लड़कियों की जब यहाँ पे शादी होती है ना तो फादर गिव्स दिस अलॉन्ग विद दिस. तो हमारे में जैसे डाउरी तो नहीं बोलूंगी, विदाई के टाइम लड़कियों को पापा बहुत सारी चीजें देते हैं, तो यहाँ पे दिस इज अ मस्ट. माला भी देते हैं और माला ये भी हाँ हाँ. ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. लंच स्पेशल क्या है आज? आज लंच स्पेशल है सैंडविच. कौन सा सैंडविच? सैनिटाइजर सैंडविच. सैनिटाइज सैंडविच. टोमेटो सैनिटाइज सैंडविच. लाहो गांव से निकल चुके हैं बट हमने खाना नहीं खाया है, तो आज हम DIY लंच कर रहे हैं. वी हैव गॉट सम चीज, सम ब्रेड, पार्ले जी बिस्किट एंड वी आर एट अ विलेजर्स हाउस. सो वी विल. अच्छा है ना, मेल्ट हो गई बिना माइक्रोवेव या ओवन के, चीज मेल्ट हो चुकी है. सो वी गोना मेक आवर ओन सैंडविच एंड हैव इट. मतलब अरुणाचल में तिरप डिस्ट्रिक्ट में एक नॉक्टे ट्राइब के घर में बैठ के हम सैंडविच बना के खा रहे हैं. दिस इज द लग्जरी बुक. सो विद दिस आई एम गोना एंड माय अरुणाचल सीरीज. We covered Wancho tribes, we covered Nokte tribes, we covered Olo tribes, and apart from these three, we even got to witness the festivals in Arunachal Pradesh this time and such unique things. So I hope you guys had fun watching this series, और आपने उस तरह से ही enjoy किया इस series को जैसा कि मैंने इसको बनाने में enjoy किया है. तो I will see you guys in the next series, in the next episode with yet another beautiful destination. Like, comment, share and subscribe, and I hope we will come back to Arunachal all over again aur kuch naya explore karenge. Bye bye. Ye hamari puri team pichle 7 dino se Arunachal ghoom rahi hai aur ab hum dher ho chuke hain. Bhai ye dekho hamara, ye to yash hai bhai, ye to yash hai, ye yash hi dekho. Aur ye khunwa humko 7 dino se ghoom rahe hain bechare. Ab agar hum so jao to bhi kya jayega. I can't move my legs. From Kerala, हर जगह जा जाके केरला वालों इनका एनर्जी डाउन अभी तक नहीं हुआ है. पूरे फोटो में केरला लोग हैं. आई तो कर रही है पापा. भाभी जी क्या बताएं? ये है हमारे पापा जी. पापा जी की कोई सुनता नहीं भैया, यहाँ पापा जी का हो चुका है. अब्बू जाने वाले. पापा जी अभी डिवोर्स दे जा रहे हैं संन्यास. ये हम पड़े हुए यहाँ पे. अब मुझे लगता है अरुणाचल का ये चैप्टर मुझे खत्म कर देना चाहिए. खुनवांग लास्ट बाइट. हाय, कैसा लगा आपको हमारे साथ घूम के और हमें ऐसे सोते हुए देखते देखते? बढ़िया लगा.